अस्सलाम वालेकुम। आज हम लेके आए बहुत ही मज़ेदार विंटर स्पेशल मटर पनीर की रेसिपी। देखते हैं रेसिपी। तेल लिया है हमने, 2 से 3 टेबलस्पून हमने तेल लिया है। उसके अंदर हम डालेंगे 1 टीस्पून भरकर बटर। अब इसके अंदर हम पनीर डाल देंगे। पनीर हमने 120 ग्राम लिया है। पनीर को हम अच्छे से फ्राई करने वाले हैं। गोल्डन कलर आने तक हम पनीर को उलट पलट कर दोनों साइड से फ्राई कर लेंगे। देखा ना, पनीर हमारा रेडी है। पनीर को हम निकाल लेंगे साइड में। रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखें। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें और फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अब हम इसी तेल में डाल देंगे 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर। अब 2 से 3 हम लेंगे इलायची और 1 लेंगे हम दालचीनी का टुकड़ा और 2 लेंगे हम बे लीफ तेज़पत्ता। अब इसको हम थोड़ा सा भून लेते हैं, हल्का सा सौते कर लेते हैं। अब इसके अंदर हम प्याज डालने वाले। 2 मीडियम साइज़ की प्याज लिए और इसको हमने रफली चॉप कर लिया है। अब इसे हम थोड़ा सा भून लेते हैं। बस 10 से 15 सेकंड के लिए हमने इसे भूना है। अब इसके अंदर हम डालेंगे टमाटर। टमाटर हमने 2 बड़े साइज़ के लिए है ताकि इसकी ग्रेवी अच्छी बने। अब इसके अंदर हम डालेंगे अदरक। अदरक हमने 2 इंच का टुकड़ा लिया है और उसको साफ़ करके कट कर लिया है। लहसुन डालेंगे 10 से 12। ये लहसुन मैं ज़्यादा दिखाती हूँ क्योंकि मेरी लहसुन बहुत ज़्यादा छोटी है। और ये हमने 2 हरी मिर्ची डाल दी है। अब इसे हम भून लेते हैं अच्छे से और इसे हम ढक कर रखेंगे 5 से 10 मिनट के लिए। हम ढक कर रखेंगे जब तक कि हमारे टमाटर अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए। देखा, टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं हमारे। देख लेते हैं, ये देखा। अभी हम इसको ठंडा कर देंगे। मिक्सचर को अच्छे से ठंडा करना है और फिर इसको ग्राइंड करना है। उससे पहले हम इसका पत्ता निकाल लेंगे। ये तेज़ पत्ता है ना, वो निकालेंगे। गरम मसाले बाकी के इसी में रहने देंगे। अब इसका हम पेस्ट बनाकर रेडी करेंगे। सेम पैन में हमने 1 से 1.5 टेबलस्पून तेल डाला है। अब इसमें जो मसाला हमने पीस कर रखा है ये डाल देंगे। अब इसके ऊपर हम डालेंगे कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर 2 टीस्पून। 1 टीस्पून हमने चाट मसाला लिया है। 1/4 टीस्पून हम हल्दी पाउडर डालेंगे और 1.5 टीस्पून हमने डाला है 1.5 चम्मच धनिया पाउडर। अब इन सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मसाले हमने बहुत ज़्यादा नहीं डाले हैं। कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर हमने ज़्यादा डाली है जिससे कलर अच्छा बढ़कर आएगा। अगर आप कम डालना चाहो तो कम डाल सकते हो। अब मसालों को हम 2 मिनट तक भून लेते हैं। पहले हमारा टमाटर और प्याज तो अच्छा पका हुआ है। 2 मिनट भून लेंगे फिर इसके अंदर बाकी चीज़ें डालेंगे। मसाला हमारा अच्छे से भून रहा है। अब इसके अंदर हम पानी डाल देंगे। 120 ml के करीब पानी डाला है हमने। इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। पानी आप आपके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा थिक नहीं चाहिए, थोड़ा सा थिन चाहिए, पतली ग्रेवी चाहिए तो आप पानी थोड़ा सा ज़्यादा डाल सकते हैं। अब इसके अंदर हम डालेंगे नमक। नमक 1 टीस्पून ही डाला है हमने। 1 टीस्पून भरकर नमक इनफ है। और 1/2 टीस्पून इसमें शक्कर डालेंगे हम, छोटी सी। अब इसके अंदर हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे शक्कर और नमक को और इसे बॉईल आने देते हैं। ये मिक्सिंग होने तक बॉईल आ जाती है। अब इसके अंदर हम मटर डालेंगे। अब हम इसके अंदर 100 ग्राम मटर डाल देंगे। मटर को हमने पहले ही बॉईल कर लिया है 4 से 5 मिनट के लिए। अब इसके अंदर हम डाल देंगे मटर को। इसके लिए बॉईल किया है कि जो भी उसमें कच्ची स्मेल आती है ना, वो ख़त्म हो जाए। मटर आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपके फैमिली में ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा डालें। अब इसके अंदर हम पनीर डालने वाले हैं जो हमने फ्राई कर रखा है। पनीर को हम आराम से डाल देंगे। गैस को हमने थोड़ा स्लो कर दिया है क्योंकि इसकी छींटे उड़ते हैं ना मसाले के, गाढ़ा मसाला है तो। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मटर पनीर इस तरह से बहुत ही टेस्टी लगती है। आप भी ज़रूर बनाकर ट्राई करना। अब इसके अंदर हम थोड़े से मसाले जो बचे हैं वो डाल देंगे। 1 टीस्पून भरकर हमने गरम मसाला लिया है और 1 टीस्पून भरकर ही हमने लिया है कसूरी मेथी। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। 2 मिनट के लिए इसी तरह हम भून लेंगे इसे। अच्छे से मसाले भी मिक्स हो जाएंगे और भून भी जाएगा मसालों के साथ। अब इसको हम 7 से 8 मिनट के लिए
बंद कर कर रख देंगे ढककर, और उसे अच्छे से पकने देंगे। जो भी कसर हमारी मटर की है, पनीर की है ना, वो पक जाएंगे। देखा ना, 5 से 7 मिनट हो चुके हैं, ढक्कन हमने खोल दिया है। अब इसके अंदर हम डालेंगे फ्रेश क्रीम। 2 टेबल स्पून के करीब फ्रेश क्रीम लिया है हमने, 2 टेबल स्पून से भी कम था, हमने थोड़ा सा पानी डाल दिया है इसको, और फिर शेक करके इसमें डाल दिया है। अब इसे मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। फ्रेश क्रीम डालने से इसका फ्लेवर एकदम बढ़िया आ जाएगा, एकदम रिच फ्लेवर आ जाएगा इसमें। आप घर की क्रीम है तो घर की क्रीम भी डाल सकते हैं आप। अब इसको हम ढक कर रखने वाले, फिर से 3-4 मिनट हम ढक कर रख देंगे ताकि इसका तेल अच्छे से सेपरेट हो जाए। हमने तेल भी डाला है, बटर भी डाला है ना, तो ऊपर अच्छे से तेल आ जाए। 5 मिनट हो चुके हैं, सब्ज़ी हमारी चेक कर लेते हैं। देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया सा कलर भी आया है और तेल भी सेपरेट हो गया है। अब इसको हम सर्व करेंगे। इसको चावल के साथ, रोटी के साथ, किसी भी चीज़ के साथ आप सर्व कर सकते हैं, नान के साथ। बहुत ही मज़ेदार सा मटर पनीर हमारा रेडी है। आप भी ज़रूर बनाकर ट्राई करें, और रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें।